आज हमारे नगर स्टूडियो में बैठे हैं चंद्र उत्तराखंड का एक नेता जो को नोच भानु प्रताप सिंह जी। भानु प्रताप सिंह जी अपना आप थे कि बड़ा कर्मठ बड़ा योग्य नेता बोलते तो हम यूं उदगर छुई लगाना छो बात कर दू और दिखना छो कि कत का काबिल छन कत का सच बोल देन कत का झूठ बोल देन यूं का दगर बैठे की बात करना। तो भानु प्रताप सिंह जी जी ज्यादा ज्यादा चमचागिरी निकाला नहीं चमचागिरी कर दो नहीं मतलब ज्यादा मक्खन न लगा ना ठीक अब मक्खन पब्लिक पर चुनाव बहुत दूर था चुनाव बहुत दूर थे चुनाव कोई बात नहीं दूर से लेकिन हम पब्लिक से काफी नजदीक थे बहुत नजदीक अमर पुनो मतलब ये होता जी कि जो मक्खन आप पब्लिक भरी इंजन के लिए लगाना चाहिए मतलब थोड़ा सी मक्खन थे बचे बचे तो कोई जरूरत नहीं भाई जरूरत आप से नहीं पता जरूरत है कि लेकिन देखो प्रदेश अध्यक्ष पर तुम उन्होंने मक्खन चढ़ो तुम ना चीफ मिनिस्टर को मक्खन चढ़ो अरे टिकट तो नहीं जी तुम्हें टिकट नहीं मिलो तो वही मक्खन टिकट कोई बात नहीं टिकट मिल जा सब मिल जा टिकट अच्छा प्रदेश अध्यक्ष भी अपर है सब दिल में सब जनता भी सब प्रदेश अध्यक्ष भी हाई कमान भी दिल्ली वो भी सब अपर है सब दिल में सब दिल में दिल में रहू हमेशा वो दिल्ली में रहना हरमन देहरादून में रहना जनता पहाड़ में रहना बस जनता पहाड़ में पहाड़ में तुम देहरादून देहरादून में कख नहीं जाना तो भानु प्रताप सिंह जी जी आप बार बार हाथ जोड़ेगी जनता दिल में जनता अभी चुनाव नहीं हुए ना तो लेकिन जरा तुम इन्हें करना तो जब चुनाव हो जाए तो तुम बहुत मार दो ना तुम यहाँ तो बाद में हम ना तुम्हें नहीं बोला बोल जा आप नहीं है ना मेरे बात सुनो हूं क्या हूं क्या चा ना ना कि जब तुम्हारा चुनाव हो दिन जी तुम थे जनसभा कर तो तब तुम बोल दो कि पब्लिक लाओ पब्लिक किराए पर पब्लिक बोले जा समझ पर तुम्हारे पब्लिक होनी चाहिए इनके लिए भाई मुद्दा तमाम मुद्दा हाँ। तो वो कैल पहुंचा वो भीड़ चढ़ी जो है जन जन तक एक एक आदमी तक वो हमारी घोषणा ही पहुंचनी चाहिए। अच्छा अब तुम बना चाहो कि तुम्हारे जो मुद्दा छे ना तुम्हारे जो घोषणा छे ना तुम्हारे जो कॉल करार वादा जो भी छे ना जन जन तक पहुंचना चाहिए जी। अच्छा ये बात फर ये पॉइंट है हम जरा सी कम नोट करी रख दे थोड़ा तो फिलहाल जो आप किराए पर जनता बोलो दो लेकिन चुनाव जीतना के बाद जब आप चुनाव जीत जनो तब आप थे वो जनता नहीं चाहिए तब जनता हटाओ मंत्री जाना थे मंत्री जाना थी भीड़ हटाओ इनके लिए भाई बज के सीटी दब के बटन हाँ। बात खत्म जनता को काम खत्म। तो भानु प्रताप सिंह जी आप अपना वक्तव्य को बखान करें प्लीज कि भाई आपकी परिभाषा क्या है आपको वक्तव्य क्या छ आपको चरित्र क्या छो आप ये शब्दों में जो अपने चरित्र को बखान कर आप देखो बाबू जी सबसे पहली बात छे हमारा उत्तराखंड तो बोलता देव भूमि हाँ। जन हमारो तिलक लगे छे देवताओं को जन आहा कने सुंदर लगनो छे माथा में हाँ। हिमालय जन मुकुट हाँ। कने सुंदर छे हमारा उत्तराखंड हाँ। देखा हमारे टोपला आहा कितना सुंदर लगनो आहा अच्छा हमारा शरीर में देखा देखा कितना सुंदर हमारे धरती कितना सुंदर बन नीट एंड क्लीन नीट एंड क्लीन हमार आंखों में देखा गंगा माई आहा जो देवभूमि माँ गंगा को उद्गम स्थान बहुत ही सुंदर चीज है। आप मेरे समझ समझ नहीं सको आप बोल के चाहना छो बोल के चाहना था कि मतलब इन्हें हम उतल्य उतुल्य उत्तराखंड हमारे जन जन हम चो देखना अथोरा बेटन ऐज तक कने सुंदर लगना चो वही उत्तराखंड हमारे। अच्छा जी मतलब तुम बोलो मतलब ये कि तुम्हारे जो चरित्र च बिल्कुल तुम्हारे जो संस्कार छे ना तुम्हारे जो सभ्यता चा उत्तराखंड तुम्हारी बिल्कुल कोई फर्क नहीं हुआ अतुल्य उत्तराखंड छे और अतुल्य हम सेम टू सेम कोई फर्क नहीं फर्क छे फर्क नहीं आ, कोई फर्क नहीं छेंच, छेंच। कन का फर्क है बताओ है कन का फर्क आज को जो उत्तराखंड से जन तुम छो ना एकदम चिच बढ़िया है ना छो तो लेकिन मीठा नहीं दिखाना छो तुम कन का नहीं दिखाना छो तो जन इधर उत्तराखंड से बढ़े दू आपसे बिल्कुल बढ़े थे तो दिखाओ तो है दिखाओ तो दिखा दू हाँ बिल्कुल जन उत्तराखंड से बिल्कुल अच्छा बिल्कुल जो
आज को उत्तराखंड विवेक की परिभाषा बता दी आज जो उत्तराखंड अब बनी हो तुम बिल्कुल उत्तराखंड जन लगना सर मेरे ठीक कर दो ना जरा हाँ जरा अरे भगवान जी आप भी थोड़ा जल्दी बाजी मां कुछ कर दो ना जल्दी जल्दी मां पता नहीं क्या कर दिए ना ये तो बोलने की मैं उत्तराखंड जन तुम जो उसमें ये फिर उत्तराखंड हाँ मेरा जो दिल में छुजु छ ना वो दिल की बात मेरे मिथे बहुत वो लगे कि भाई उत्तराखंड जन तुम टिच बने आछा तन नी तन आजकल नी नीट और क्लीन तुम्हारे टोपी भी साफ भरी चार बिल्कुल साफ सुथरा बने आछो साहब कोई 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 कुछ ना वो कख छ बोली खत्म साफ साफ लोग कुड़ू फरता लिया छ उजुड़ियां बनिया छ कुड़ी बांधा बनिया छ और तुम बना छो कि जन जन तुम जो उन उत्तराखंड हम देहरादून में लोग उपजा खड़ा गए नीचे ना हम लोग तो सब चका चक हो गए हम लोग होते सब देवभूमि एक सब गंगा यमुना सब एक बाबू चलो चलो खैर 2000 में जब उत्तराखंड बन जाई तो 40 सीट है 40 सीट होने के बाद में तराई क्षेत्र में छाई 30 सीट अब वो करेगी ना 34 सीट जी एक 36 सीट होगी 6 सीट मत बटे रेडी की भगवान जी इनकी बन वो तो संविधान से जब ज्यादा जनसंख्या हो रही है सीट ज्यादा होली भाई वो तो सब ज्यादा से हुआ तो अच्छा तो मतलब आपको बुनों का मतलब ये होता है कि पहाड़ बटे ऊंध पलायन हुई है और सीट बिता देगी सीट बिताओ तो घूमने घूमते वो तो स्वाभाविक बात है चलो आप अपना आप थे कि बिल्कुल उत्तराखंड का कर्मठ नेता बताना उत्तराखंड का प्रति जो अपना आप थे बड़ा संवेदनशील आप बताना अगर मैं आपका बारे में बोलूं तो आपन जब सबसे पहले चुनाव लड़ता है तो गैरसैंण मटे लड़ता है ठीक है आज अगर तुम चुनाव कवा से टिकट मंगना छो वहां तो देहरादून या हरिद्वार या उधम सिंह नगर टिकट मंगना छो तो आपके लिए रणा छो भाई था अब जनता था रड़ी के हम कक जाओ आप तो रुकन चलो ना वही जनता रुकना कख भी जब जनता ही नहीं रहे होगा तो हम क्यों रहा अरे जब जनता नहीं रुकी तो आप देखो आप नेता सन नेता अगर आप थे जनता थे पहले तो रुकन चाहो अगर जनता नहीं भी रुकनी तो कम से कम आप रुकन चाहो आप कहे रुकड़ा जब जनता ही नहीं था हम कहीं रुकड़ा जनता छनी चनो का ना जनता वो तो कोई जनता थे वो दो ही चार छत्तीस सीट से फिर भी छनो का 36 सीट छो पर जो हमारे अपर जो मन पसंद की चीज जगह छे जगह पे हमारे रुझान छे जगह जनता हम तो चाली हम वही भी थे लड़ा अच्छा फालतू बात है हम तो ये अच्छा तो आपको बुना का मतलब सुनो 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 आपको बुना का मतलब ये होता कि देहरादून हरिद्वार की जनता खुद तक घसीनी चे हम तो वो नेता चे प्रताप भानु प्रताप नेता चे जनता की डिमांड बिल्कुल डिमांड का नीचे और हम बिल्कुल अब आज तो बहुत चकाचक हम लगातार तभी जो आप एक बार हरिद्वार में तो हम इतने विकास कर गए कि मतलब वो कहे कि हमने पत्थर रोड़ी से भी एक बार नयनों का प्रोग्राम हुई हो बहुत पब्लिक पूरा नयनों का प्रोग्राम अच्छा तो हम वो कहे कि ईट बजरी पत्थर भी कहे अच्छा अच्छा रेट में हम लोग जनता तो दिले थी अच्छा जन बुनो को मतलब ये होता कि आज उत्तराखंड में जी जी डॉक्टर तक जाना उन्हें तैयार नहीं थी हॉस्पिटल तक बांध पुणिया थे है ना अब जब नेता ही नहीं रहा लू तो जो डॉक्टर से ना वो पहाड़ में नहीं जाना थे ना वो फर के लिए दबाव देना था कि तुम पहाड़ में जाओ जब तुम ही नहीं जाना था वहां तो पाओ डॉक्टर के लिए जाओ भाई अरे भगवान जी देखा उनको तो डॉक्टर तो भाई एक इन इंसानों जो फर्ज ज्यादा बढ़ दो इंसानों को फर्ज हमारे नीचे ज्यादा फर्ज उनको ज्यादा उनको ज्यादा अच्छा आपन बोलो विकास का वास्ता
विकास विकास हुए बेटे आप, विकास विकास का नाम विकास विकास है ना, तो क्या बहुत विकास होगी, बहुत उत्तराखंड में बीजी विकास विकास अब चार दगड़े जन ये हम दगड़े जन हम जन दगड़े हाँ वो एक एक भी एक लड़का हुई वो एक नौ भी विकास हुई अब वो जो उत्तरकाशी में वही वो दगड़े दगड़े नौ भी विकास होगी उत्तरकाशी थोड़ी ऊंचे वही वहाँ वो रुद्रप्रयाग वहाँ वो दगड़े लोड़ो नौ भी विकास हुई मतलब ये हो जाए कि तुम अपन नौ 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 विकास धना छो जी अपन तुम्हारे नौ नौ होना छो ना विकास धना छो और गुना छो उत्तराखंड में विकास हो ठीक है की बात बात ही ना हो ना घुमाने की कोशिश में कारण गलत बात बड़ो घुमाने का हम तो सीधी बात बना चाहते हैं सेवा से हम जनता का सेवा आप विकास की बात कर रहे हैं विकास हो खड़े की नौ ना नीचे ना से योजना योजनाओं की बात करो योजनाओं का विकास योजना योजना की बात है योजना का तो ढेर लग गया है हमारी कोचू यात्री कोचू आते कोचू ढेर मचा दे हमारे एक विकलांग होते योजना वृद्ध आदमी होते योजना जवान आदमी होते योजना जो हमारा बेरोजगार होना चाहिए वो होता योजना जो महिलाएं छे उनको जो परिवार में जो गरीब महिलाएं छे वो होते योजना ढेर लग गया योजना अब कोई लोन नहीं होना चाहिए योजना अब मैं तुम्हारो वे सवाल फराम दू जो हमारे पहली बात कह जाए आपने बोल जाए कि आपके जी घोषणा छे आपके जी मुद्दा छे वो जन जन तक पहुंचाना अपने आप किराए पर आदमी बोले दो जनसभा कर दो वहाँ खड़े तो आदि तुम किराए पर बोले दिन दो लेकिन जब ये योजना जन जन तक नहीं पहुँचनी छे ये था जन जन तक पहुँचाना तुम्हारा दायित्व नहीं था कि आप अपना मुद्दा पर घोषणा पत्र लेके जनता में गए चाहे कि जनता है चाहे तो मां तू तुम्हारे घोषणा पत्र ये गलत सवाल नहीं कर ये गलत सवाल नहीं पार्टी का बेस से पार्टी को अपर पर्सनल एजेंडा जी हाई कमान का ऑर्डर इन सवाल आप नहीं पहुंचा योजना बहुत और विकास भी नहीं, नहीं, बहुत एक तरफ आपकी योजना हो गया एक तरफ तुम्हारा मुद्दा हो गया तुम्हारा घोषणा पत्र हो गया जब तुम्हारे घोषणाओं की बात हो जब तुम्हारे मुद्दाओं की बात हो तुम मुद्दाओं थे लेके थुपुड़ घोड़ी की जनता जनता का बीच में जनो घर घर में जाए की हाथ जोड़ी जोड़ी की अपनी घोषणा पत्र और अपने मुद्दाओं थे उनका दगड़ शेयर कर दो तू योजना लेके क्यों नहीं जाना घर घर ये सवाल से मैं योजनाओं के लिए जनता माफ करी हमसे हम ठगा नहीं लीजाओ अपर योजना जैसी योजना चलनी तो भानु प्रताप सिंह जी आप हमारे तो कर समय को बड़ो अभाव छो जी जी आप कल जुगी नारद मा एनी जी ठीक है लेकिन आप थे कसम छो आप थे कसम छे न कि या उत्तराखंड की हालत छे आज जो हालत छे तुम अपने हालत से टिच तब बनेला जब उत्तराखंड की हालत से टिच कह देला बोला सौ खाओ गंगा माँ की कसम हाँ हिमालय की कसम हाँ बद्री भगवान की कसम झूठी झूठी कसम ना सच्ची कसम ये बात तो मन पक्की बोले बोल जी हाँ। भाई हम जरूर करो को प्रयास कर रहा और जनता भी प्रयास ना प्रयास नहीं कर प्रयास नहीं कर हम संघर्ष कर रहे हैं बात से संघर्ष नहीं करो जो कंच हाँ कंच 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 और आप हमारी आंखें खोल दी नहीं आज और आज बेटे हम कसम खाना गंगा माँ की कसम खाना और आप जन बड़ा लोगों की कसम खाना और जन जन ये धरती में पैदा हुआ यहाँ वीरों की कसम खाना जब तक ये धरती हम टिच नहीं कर रहा तब तक हम इन्हीं फाटिया पुराना कपड़ा पहन रहा जन उत्तराखंड से वो नहीं रहा इन्हीं रहा हम हाँ। ये कसम से हमसे और हम ये भी वादा कर रहा कि जब तक हम ये धरती माते स्वर्ग नहीं बढ़े जन ये देव भूमि छे जन ये तो बोल रहा हूँ कि देव भूमि छे और तमाम देवताओं को वास्ते या कण कण में देवताओं को वास्ते तन हम ये नहीं कर दे ना तब आ तक तिलक नहीं लगा तब आ तक हम न तिलक लगा ना हम टोपरी नहीं पहन रहा इन हम इन इन गाती बारे इन इन चीजें का बदला जन उत्तराखंड की चीज इन हम रे कसम तुम हमारे आंखों में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।